जनता कर्फ्यू को लेकर मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि जनता कर्फ्यू क्या है, क्या जनता कर्फ्यू से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जनता कर्फ्यू से रिलेटेड कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। देश में कोरोना वायरस से बढ़ते असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है। उनकी इस पहल को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 मार्च को लोग सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। जनता कर्फ्यू एक ऐसा कर्फ्यू है जो जनता द्वारा जनता के लिए लगाया गया हो। अब जानते हैं कि जनता कर्फ्यू से क्या होगा, किस मायने में यह अहम है। पीएम मोदी की यह पहल दो मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। पहला यह कि बाहर फैले कोविड-19 के वायरस कमजोर हो जाए। सोशल मीडिया पर इस तरह के संदेश वायरल भी हो रहे हैं कि 12 घंटा में वायरस खत्म हो जाता है, ऐसे में 14 घंटे में इसकी चेन टूट जाएगी, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ इस तरह का कोई दावा नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह कि 22 मार्च को आने वाले कठिन दिनों की तैयारी कर ली जाए, देख लिया जाए कि जनता कर्फ्यू की ये मुहिम कितना जोर पकड़ती है और लोगों का इससे कितना समर्थन मिलता है, इसका कितना असर पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में यह बात साफ है कि कोरोना वायरस से सतर्कता बेहद जरूरी है। जनता कर्फ्यू देशवासियों को आने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत करेगा और बताएगा कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। मेरा आपसे गुजारिश है कि पीएम मोदी की तरफ से ली गई 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील को गंभीरता से लें, इसका पालन करें, सतर्क रहकर ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें।